हिमाचल प्रदेश में मानसून का प्रभाव अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 4 से 5 दिन बारिश, बिजली और गर्जन की गतिविधियों का पूर्वानुमान जताया है। 19 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 24 सितंबर तक बारिश की गतिविधियों की संभावना बनी हुई है। हालांकि 20 सितंबर के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। शिमला में पिछले 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला 1 से 2 दिनों के लिए और जारी रह सकता है। कुछ क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है, साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकती है। तो इसी को देखते हुए 18 और 19 तारीख को थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का येलो अलर्ट जारी किया है। फिर 20 तारीख से प्रदेश में वेदर में काफ़ी कमी आएगी और इसके चलते जो केवल जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं वहीं 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बातचीत में बताया कि इस साल हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान 18% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर बात करें तो मानसून की जो ओवरऑल रेनफॉल है 1 जून से लेकर अभी तक, वो देखिए जो एक्चुअल रेनफॉल है उससे -18% है, क्योंकि सामान्य की श्रेणी में नहीं आती है। इसमें 5 दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में चंबा, लाहौल स्पीति और पूना और हमीरपुर, जहाँ सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ सामान्य के आसपास भी बारिश दर्ज की गई है। और सीजन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में सबसे अधिक बारिश खासकर जिला चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, ऊना और हमीरपुर में सामान्य से कम बारिश देखी गई है, जबकि अन्य जिलों में सामान्य के आसपास बारिश दर्ज की गई है। जिला शिमला में सीजन के दौरान सबसे ज्यादा बारिश हुई है और सितंबर महीने में भी प्रदेश में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। हालांकि चंबा, ऊना और लाहौल स्पीति में सामान्य से कम बारिश देखी गई है। हिमाचल प्रदेश में इस साल 27 जून को मानसून ने दस्तक दी थी और इसके बाद से बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून के प्रदेश से रवाना होने की सामान्य तिथि 24 सितंबर है, लेकिन इस बार इसकी विदाई को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मौसम के लगातार बदलाव के कारण ये साफ नहीं है कि मानसून अपनी सामान्य तिथि पर प्रदेश से रवाना होगा या नहीं। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश जिला शिमला के जुब्बड़हट्टी में 46 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसके अलावा जिला सोलन के कसौली और मंडी सदर में भी 40 मिलीमीटर बारिश देखी गई। इन बारिशों से न केवल किसानों को राहत मिली है बल्कि जल संसाधनों में भी सुधार हुआ है। यहाँ पे हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। जो सबसे अधिकतम बारिश थी वो जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट में शिमला में 46 mm के आसपास दर्ज की गई थी। वहीं मंडी और कसौली में भी 40 mm के आसपास बारिश दर्ज की गई है। साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग इवेंट्स भी बीते रात को इन क्षेत्रों में दर्ज किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की गतिविधियां अभी जारी रहेंगी और आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। लोगों को मौसम के इस उतार चढ़ाव के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है, खासकर 19 सितंबर के येलो अलर्ट को ध्यान में रखना चाहिए।